आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो हमारा थोड़ा सा दोपहर को स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी मैं जस्ट ट्यूशन से आई हूँ, 3 बज रहे अभी, तो अभी मैं 3 बजे खाना खाऊंगी। अब तो ये मेरा रोज़ का शेड्यूल बन जाएगा। एंड एज मेरा 10 to 2:30 का टाइम था तो मुझे 9:30 बजे निकलना था, तो मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला था, और कल भी ब्लॉग नहीं आया था उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से ऐसे थोड़ा रहेगा, सो डोंट वरी, बट ब्लॉग्स आ जाएंगे। कल ब्लॉग नहीं आया था, बट या सॉरी फॉर दैट। पर आज का ब्लॉग आप इंजॉय कीजिए, एंड मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। एंड मेरी खाने की आदत होती है, मैं 12 बजे खा लेती हूँ, लेकिन मम्मी ने सुबह से थोड़ा हैवी खिला दिया था, तो ऐसे तो मैं 12 बजे खाती हूँ, लेकिन हैवी खाया था तो 3 बजे इज़ ओके। अब तो ये आदत ही बनानी पड़ेगी। बट या मैं आप लोगों को अपना लंच करने के बाद मिलूँगी। अभी दोपहर के बजे 4 और ये जनाब को साइकिल चलाने जाना है इतनी गर्मी में। पापा को रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। और चलिए दिया से बात करते हैं। हाय दिया, कैसा रहा आज का दिन, पहला आपका ट्यूशन का? बहुत मस्त मस्त। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा पढ़ाया? अच्छा पढ़ाया। हाँ। और आज खाना कितने बजे खाया आपने? अभी 3 बजे आके। कैसी भूख लगी थी? भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, सुबह मम्मी ने मेरे को मस्त एकदम बड़ी सी बाकली खिलाई थी, जिसको खाने के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा वॉमिटिंग जैसा लगा, क्योंकि पहली बार इतना ज़्यादा हैवी फूड खा लिया था सुबह, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना जो मिल्क होता है वो सिंपल पी लेती हूँ, उसके अलावा कुछ खाती नहीं, तो थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन मेरे को भूख नहीं लगी थी, वो एक अच्छा फैक्टर था। लेकिन अभी तो यही, अब से तो आपका टाइम यही रहेगा 3:30 बजे का लंच का, अब तो ये इसको रूटीन में डालना पड़ेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अच्छी तरीके से कर लेने का, वो भी देखते हैं। तो 3 बजे तक खाना ना खाए ना तो चले जाए, चल जाए, चल जाएगा ना। और अभी अभी क्या कर रहे हैं आपको? अभी सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है क्यों? पहला दिन था इसलिए? हाँ थोड़ा सा ऐसा हेक्टिक तो होगा, पहली बार इतना सा ज़्यादा। अभी आज आपका पहला दिन था तो फिर आज आपको कुछ दिया है, मतलब घर पे कुछ करने के लिए? नहीं, वो बस केमिस्ट्री में हमको बोला 1 to 20 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, वो तो हमको 9th से आते हैं, अभी 11th में आगे बोल सकती हूँ, सॉन्ग जैसा बन गया मेरे लिए। बोलो दीदी। ओके, और ये बोलो दीदी, देखिए ये जनाब, बोलो बोलो सब आता है भाई, बोलो क्या हुआ जनाब आपका? रेडी है, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई? देखिए क्या कर रहा है ये लड़का, चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड मुझे कुछ क्रेविंग्स हो रही थी, दो मैंने 3 बजे अपना लंच किया था, फिर भी मुझे अभी कुछ स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मैं नीचे जाऊंगी और कुछ स्वीट खाने से पहले हम सबसे पहले हमारी दादी का भजन ले लेते हैं, कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो भजन वो गायकी, वो हम पहले भजन ले लेते हैं, एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या स्वीट खाया। सो आई विल मीट यू आफ्टर दैट। अब मैं सीधा आपको डिनर के टाइम पे मिलूंगी इसके बाद। हमारे गामड़े ना
मारे गाँव रे गाना बजे रे हमारे गाँव रे हमारे गाँव रे में हमारे खेतर हमारा खेतर में आंबा चर चे आंबा में गाड़ी चकोर बांध सुन राधा ने कान में झूलाव सूरे ओके सो गाइस ये रहे हमारे कान्हा जी जिनको दादी ने बहुत ही अच्छा सा आउटफिट पहनाया था। सो गाइस सिंस मुझे थोड़ी सी ऐसे मीठा खाने की थोड़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो ये रहा मेरा मैंगो का श्रीखंड तो मैं ये एंजॉय करूँगी अभी। तो जय श्री कृष्णा। हाँ तो आज तो मम्मा बिल्कुल फ्री है क्योंकि आज तो घर में पिज़्ज़ा मंगवाने वाले नहीं। हाँ इसलिए मम्मी का फ्री डे है आज। मम्मी एकदम फ्री है आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे एंजॉय करेंगे। ओके सो गाइस ये था हमारा आज का डिनर जिसमें थे पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमोज क्योंकि मोमोज आर माय पर्सनल फेवरेट एंड फिर था मेरा भाई जो खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। गाइस ये रहा जक्स, इसकी एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गई थी। कैसी गई जक्स सारी एग्ज़ाम्स? थोड़ा जोर से बोलो। बहुत अच्छी गई। हाउ इज़ द जोश आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम? मुंह छुपा रहा है। और पिज़्ज़ा कैसा लगा जक्स? अच्छा ही लगी यार। नौटंकी हो गया तो अभी जक्स वही होता है। तो अभी जक्स एंजॉय कर रहा है अपना वेकेशन। ये देखिए आपने नहीं किया था ये वीडियो। तुमको मैं पूछ रही थी क्वेश्चन, तुमको ये नहीं बोला गया था कि तुम मुझे रोस्ट करो। तो तुम मम्मी नहीं करती हो। ठीक है चलो भाई इनसे बात ही नहीं करनी है, रोज करेंगे। ओके सो गाइस अभी हम लोगों ने हमारा डिनर कर लिया है और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया डिनर करके। हाई ये फिर से आ गए, ये रो तुम रोज करोगे, तुम जाओ इधर से। हाँ तो ये पार्सल आया था तो इसमें कुछ पेंस थी, मतलब एक्सो की पेंस थी। इट इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो बट हाँ तो मेरा 11 स्टार्ट हो गया तो उसके लिए कुछ पेंस मंगवाई थी तो अभी मैं आप लोगों को रात को मिलती हूँ, तुम जाओ इधर से। सो गाइस अभी रात के 8 बज चुके हैं एंड मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर दूंगी। हम लोगों ने हमारा डिनर कर लिया है, बहुत मस्त डिनर था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया डिनर। लाइक पिज़्ज़ा इज माय फेवरेट, मेरे को पहले नहीं पसंद था पिज़्ज़ा बट नाउ आई जस्ट लव इट। पिज़्ज़ा मोमोज एंड गार्लिक ब्रेड, इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर एंड मोमोज मुझे वैसे भी पसंद है। ओके सो या विद दिस आई एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।